हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलो आज हम बनाएंगे छोले। ये मैंने छोले रात को भिगोए थे, अभी ओवर नाइट सोक करके मैंने इनको बॉईल किया है। ये मैंने कुकर में डाल दिया है छोले। इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी नमक, ताकि ये बॉईल होने में नमक एब्जॉर्ब कर ले और थोड़ा सा छोले का टेस्ट अच्छा आएगा। छोले मैंने बॉईल कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने लिया है ऑनियन, गार्लिक, अदरक और टमाटो। ऑनियन को मैं मिक्सर में पीस लूँगी, फाइन पेस्ट बना लूँगी इसका। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम करके इसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। मस्टर्ड ऑयल ये मेरा घर का ही है, प्योर एकदम मस्टर्ड ऑयल। लेके मैंने थोड़ा सा गरम करके अच्छे से, जब ये हीट हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे जीरा। हीट होने के बाद ही डालिएगा जीरा। यहाँ जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद सारे खड़े मसाले डालेंगे हम, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। इनको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें अदरक और लहसुन मैंने कूट के डाला है। इसको मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, इसको मैंने कूट के डाला है तो अच्छा टेस्ट आता है। पीस के इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, थोड़ा सा उसको आप कूट लेंगे तो अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि लहसुन गोल्डन नहीं हो जाता। अच्छे से फ्राई करने के बाद साथ साथ उसको चलाते रहना, वरना वो जल जाएगा। फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, हमने जो पेस्ट बनाया था ऑनियन का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी इसको हम अच्छे से पका लेंगे। कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें स्मेल आएगा। थोड़ा सा गैस को फास्ट करके फिर थोड़ा स्लो कर दीजिएगा, ताकि ये जले ना। इसको हम अच्छे से चला के फ्राई कर लेंगे, अच्छे से कुक होने तक। बीच बीच में चलाते रहिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। और थोड़ा थोड़ा फ्लेम बीच बीच में तेज़ करके स्लो करते रहिएगा। इसको हम बीच बीच में चलाएंगे और देखेंगे ये धीरे धीरे से तेल छोड़ने लगेगा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा फिर से कुक करेंगे और चलाते रहिएगा बीच बीच में, नहीं तो ये भी नीचे पे लग जाएगा। जब ये अच्छे से पक जाएगा तभी हम मसाले ऐड करेंगे। हल्दी, देगी मिर्च, मैं देगी मिर्च यूज़ करती हूँ। ये हमने छोले मसाले डाले, मैंने कैच का यूज़ किया है। और मैं थोड़ा मैगी मसाला यूज़ करती हूँ। मैगी मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, नहीं तो वो फिर मैगी वाला टेस्ट आ जाता है। बहुत हल्का सा यूज़ करना। और ये मैंने कसूरी मेथी डाल दी और ये लास्ट में मैंने गरम मसाला डाल दिया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे ताकि हमारे जो सूखे मसाले हैं वो पक जाएं। अभी मसाले ये ऑलमोस्ट पक गए हैं, देखिए आप, पूरे अच्छे से मसाले पक गए हैं। देखिए कलर भी अच्छा आ गया। थोड़ा सा चला के इसको हम कुक कर लेंगे। और फिर ये थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगे, फिर हम इसमें छोले ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल किए थे। ढक के आप थोड़ी देर पकाएंगे इसको, अच्छे से मिक्स करके बीच बीच में देखते रहिएगा। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलाइए उसको, नहीं तो छोले नीचे बैठ जाते हैं और मिक्स नहीं होते हैं ग्रेवी में। इसको अच्छे से मिक्स करिएगा। चलाते रहिए बीच बीच में इसको। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम वापस से इसको ढकेंगे। अब इसको ढकने के बाद अच्छे से बॉईल करके थोड़ा सा स्लो गैस पे इसको कुक करके
5 to 10 minutes में हमारे छोले रेडी हो जाएंगे, क्योंकि वो बॉयल तो होते ही हैं, बस आपको ग्रेवी पकानी होती है। और यहाँ हमारे छोले रेडी हो चुके हैं, ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। आप इसको कैसे भी सर्व कर सकते हैं, मैंने कुलचे के साथ सर्व किया है, आटा कुलचा। आप इसको पूरी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं।